हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाले मखाने के लड्डू। ये आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो आइए सीखे अपनी रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी मखाने लड्डू बनाने की। तो इसके लिए मैंने एक बाउल मखाना लिया है, 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है, 4 से 5 चम्मच मैंने दूध लिया है, और 4 चम्मच मैंने देसी घी ली है, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर है पिसी हुई, और ये 3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा है, सूखा नारियल, और ये 8 से 10 बादाम है, 8 से 10 काजू हैं, और थोड़ी सी किशमिश है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें 3 चम्मच देसी घी लेके ऐड कर देंगे और 1 चम्मच बचा लेंगे अभी। तो घी मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें मखाने लेके ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे अच्छे से, तभी ये एकदम क्रंची हो जाते हैं। कुछ ही देर में ये सारी घी एब्जॉर्ब कर लेंगे मखाने। इन मखानों को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पे, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तब हम ये अच्छे से पिस जाते हैं, वरना अगर हम इसे हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे तो ये बहुत अच्छे से नहीं पिसेंगे और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो अभी 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे। 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और ये मखाने एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम इसे एक बाउल में तुरंत निकाल लेंगे। मैंने उसी कढ़ाई में 1/2 चम्मच देसी घी ले लिया है और अब मैं इसमें ये जो काजू बादाम है थोड़े से फ्राई कर लूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे ज्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का ही फ्राई करना है। हल्का कलर है तो इसे हम तुरंत निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं करना फ्राई। इन कढ़ाई में हम किशमिश को भी लेके फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, तुरंत फूलने लगती है, तो इसे भी हमें जल्दी निकाल लेना है। जैसे ये फूलने लगती हैं, ये इंडिकेशन है कि किशमिश एकदम अच्छे से भून गई है, तो तुरंत ही इसे हमें निकाल लेना है। देखिए हल्की हल्की ये फूलना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर ये थोड़ी देर रहेगी और तो ये काली पड़ने लगेगी। तो ये देखिए अब हम इसे तुरंत ही निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में देसी घी बचा हुआ है तो इसमें मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है, इसे भी हम तुरंत ही फ्राई करके निकाल लेंगे। बस 1 मिनट में लो फ्लेम पे थोड़ा सा भूनने से क्या होता है कि लड्डुओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे भूनेंगे और इसे भी हम तुरंत ही निकाल लेंगे। देखिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो सबसे पहले हम इन मखानों को लेके एकदम बारीक पीस लेंगे। ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए ये एकदम क्रंची है, ये ऐसे क्योंकि मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। ऐसे ही होने चाहिए मखाने आपके भी। मखाने अच्छे से पिस चुके हैं, इसका एकदम पाउडर बन चुका है। तो अब हम ये जो काजू बादाम मैंने फ्राई किए थे ये भी हम इसे भी पीस लेंगे। इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है और ये जो नारियल का बुरादा है इसको भी हम साथ ही में डाल के पीस लेंगे। ये काजू बादाम और नारियल का बुरादा ये भी पिस के रेडी है। इससे क्या होगा कि बाइंडिंग थोड़ी अच्छी आ जाती है, तो इसीलिए मैंने इसे पीस लिया है। आप चाहें तो थोड़े खड़े खड़े टुकड़े भी रख सकते हैं काजू बादाम के। तो इसको भी अब ये जो किशमिश फ्राई करके रखी थी इसको भी हम ऐड कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, और चीनी आपको पिसी हुई लेनी है। तो आप अपने मिठास के अनुसार 1/2 कप से लेकर के 1 कप तक चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप चीनी ली है पिसी हुई। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर हम हाथ से लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कि जिससे कोई कसर ना रहे, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाएं। और ये देखिए अभी हम इसको बाइंड करेंगे तो ये काफी बिखरेगा, क्योंकि मखाना जो है थोड़ा बिखरता है, तो इसीलिए इसकी बाइंडिंग के लिए हम थोड़ा सा दूध लेंगे। आप चाहें तो केवल इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि घी की मात्रा बहुत ज्यादा लगेगी, तो आप चाहें तो इस स्टेज पे 2 से 3 चम्मच घी और ऐड करके भी इसको बाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा दूध लेके ऐड कर दूंगी, तो उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, ज्यादा ना ऐड करें, पहले 1-1 चम्मच दूध लेके ऐड करें, फिर जैसे ही बाइंड हो जाए वैसे ही आप दूध ऐड करना बंद कर दें। मैंने टोटल 4 चम्मच दूध ऐड किया है, और दूध डालने में आप ये जरूर ध्यान दें कि ज्यादा दूध ना ऐड करें, वरना ये मिक्सचर गीला हो जाएगा। तो ये देखिए अभी कितना अच्छा बाइंड हो रहा है, इसीलिए 1-1 चम्मच करके ही ऐड करें दूध। ये देखिए बहुत ही अच्छे लड्डू बन के रेडी हो जा रहे हैं, देखिए कितने आराम से लड्डू बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी मखाने के लड्डू बनके रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बाय।